हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपमाला चौधरी। वेलकम बैक टू अवर चैनल शेफ दीपमाला किचन। चलिए तो फ्रेंड्स, आजकल चल रहा है फेस्टिवल सीजन, तो उसी को देखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मथुरा के फेमस पेड़े। इनको बनाना बहुत ही आसान है, ये झटपट बन भी जाते हैं, और इंग्रेडिएंट्स भी जो अपने घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं से। आप इनको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखो अंदर से भी कितने सॉफ्ट, मतलब मुंह में लेते ही घुल जाने वाले पेड़े बने हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए चाहिए हमें, लगभग मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम मावा, 150 ग्राम चीनी, और ये मैंने घी लिया है, पर मुझे एक चम्मच घी ही लगा था। ये कटे हुए पिस्ता, कुटी हुई इलायची। चलिए तो अब बनाते हैं। इसके लिए चाहिए हमें एक पैन, उसको गर्म करना है और उसमें डालना है एक चम्मच घी। ये हमने डाल लिया एक चम्मच घी। अब इसमें डालते हैं हम मावा। इसको ये पहले पीस में था और मैंने इसको ग्रेटेड कर लिया, और थोड़ा मतलब पिघलने में आसानी रहेगी, इसलिए इसको मैंने चूरा बना लिया। अब लगातार गैस चलाते हुए इसको घुमाना है। गैस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, स्टार्टिंग में आप रख सकते हो, पर जब ये जैसे गर्म होने लगे उसके बाद मीडियम फ्लेम ही रखनी है गैस की। देखिए मावा अपना मॉइस्चर छोड़ने लगा है, और हमें यही करना है, मतलब जब तक इसका मॉइस्चर पूरा सूख जाता है और ये मावा धीरे धीरे कढ़ाई से अलग होता है, मतलब घी छोड़ने लगता है, तब तक हमको इसको सेकना है। और मथुरा के पेड़े थोड़े डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, तो हमको इसके कलर चेंज होने तक भी इसको सेकते रहना है। देखिए काफ़ी चेंज आ गया है कलर में। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पेड़े बनाने के लिए जो भी हमें सामान चाहिए वो लगभग सब कुछ हमारे घर में आसानी से मिल जाता है। इसमें ज़रूरत पड़ती है मेन मावा की। मावा हम घर में भी बना सकते हैं और बाहर भी ला सकते हैं। ये जो मावा है ये मैंने घर में बनाया है। कल मेरे पास 1 लीटर दूध बचा हुआ था, तो मैंने उसको गैस चलाकर तेज आंच पे और लगातार चलाते हुए और दूध को सुखा लिया और मावा बना लिया। चलिए तो फ्रेंड्स, हमने फ्लेम कर दी है बंद, और इसको थोड़ा थोड़ा चलाते हुए धीरे धीरे हल्का ठंडा कर लेंगे। मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म ही रखना है, क्योंकि अगर बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो पेड़े नहीं बनेंगे, इसके पेड़े बनने में दिक्कत आएगी। हमें इसे इतना ठंडा करना है कि मतलब हम इसको छू पाए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, छू सकते हो आराम से इतना। चलिए हम इसमें मिलाते हैं धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके बूरा मिलाते हैं। ये पिसी हुई चीनी है, आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप मिक्सी में पीस के भी बना सकते हैं, या फिर बूरा यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने डाला है थोड़ा इलायची पाउडर। एक बार हम इन सब चीज़ों को मिला लेते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम और बूरा डालते जाएंगे, और मिक्सचर को और अच्छे से मसल मसल कर और मतलब सॉफ्ट गूंद लेंगे, जिससे पेड़े बन पाए ऐसा। देखिए हमारी बूरा मिल गई है इसमें अच्छे से। अब इसमें और बची हुई चीनी और डाल देंगे, फिर से मिलाएंगे अच्छे से। स्पेचुला से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको साइड में रख के हाथ से भी मिला सकते हैं अच्छे से। और बची हुई चीनी डाल देंगे, अच्छे से हाथ से मसल मसल के मैश कर लेंगे, तो सब चीज़ों को एक जैसा कर लेंगे। मतलब इसको मतलब हाथों से मसल के बिल्कुल ऐसे डो जैसा तैयार कर लेना है, जैसे हम आटे की गोलियां बनाते हैं ऐसे पेड़े की गोलियां बनानी है। चलिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक प्लेट, और उसमें हम पेड़े बना बना के रखेंगे। अब हाथ में थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर लेना है, तो दोनों हाथों से इसको गोल करना है और हल्का सा दबा के, और अंगुली से थोड़ा सा ऐसे गैप बना देना है, हल्का सा दबा देना है अंगुली से बीच में। बस वो डिज़ाइन के लिए है, आप चाहे जो शेप दे सकते हैं अपने पेड़ों को।
चलिए तो हमारे सारे पेड़े तैयार हो गए हैं, अब इनको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं जिससे देखने में अच्छे लगेंगे। मैंने इलायची पाउडर लेके सारे पेड़ों पे थोड़ा थोड़ा इलायची पाउडर लगाया है और थोड़ा थोड़ा करके कसा हुआ पिस्ता लगा दिया है सारे पेड़ों पे। अब देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये तैयार है हमारे झटपट बनने वाले मथुरा के फेमस पेड़े। इनको बनाइए, खाइए और अपने फेस्टिवल का मज़ा लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।